यमुना में जल तर्पण कर पितरों को किया विदा। आपको बता दें, पितृ विसर्जन ही अमावस्या पर यमुना नदी के पीला घाट पर रही सैकड़ों लोगों की भीड़, लोगों ने जल दान कर अपने पुरखों को किया विदा। पितृपक्ष के 15 दिनों तक लोगों पितरों को पानी देने की है प्रथा, तथा हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के इन 15 दिनों तक पुरखा स्वर्ग लोक से भूलोक में आते हैं। वहीं इस अवसर पर उनके पुत्र तथा परिवार जन पुरखों को पानी देकर उनकी आत्मा को तृप्त करते हैं, तथा पुत्र विसर्जन ही अमावस्या को पुरखा विदा होते हैं। पितरों के विषय में, हर साल पितर कुमार की जो पितर पक्ष की तिथि होती है, उनमें समर्थ लोक में आते हैं अपने लोक से, और 16 दिन तक यानी कि भादों पूर्णमासी से और आश्वन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहते हैं। आज अमावस्या है, पितर विसर्जन है, और मृत लोक में 16 दिन तक रहते हैं, और ये आशा करके रहते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र हमें जलदान एवं पिंडदान करें, उनसे उनकी तृप्ति होती है। और जब तृप्त होकर के पितर जाते हैं, तो अपने पुत्र एवं पौत्रों को सुभाशीष प्रदान करते हुए जाते हैं। और जो पुत्र अपने पितरों को जल तर्पण एवं पिंडदान नहीं करते हैं, वह पितर असंतुष्ट होकर के और अभिश्रापित करते हुए मृत्युलोक से पितृलोक को प्रस्थान करते हैं। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि सब लोग जैसे भी बने पितरों को तर्पण अवश्य करें एवं पिंडदान करें। इससे यश, आयु, बल, धन एवं पुत्र संतान आदि पितरों की इच्छा से प्राप्त होता है। जिनके पितर असंतुष्ट हैं, उनके घर में क्लेश एवं दुख एवं दरिद्रता सदैव निवास करती है। पितरों का पुनीत कर्म है और पुत्रों का यह कर्ज होता है, पितृकर्ज होता है, तो पितृ को अपने कर्ज से, पुत्र को अपने कर्ज से मुक्त होना चाहिए और पितरों को जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। फैमिली टूरिस्ट ढाबा, शुद्ध व शाकाहारी भोजन, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की सुविधा उपलब्ध, पार्किंग स्पेशल व फैमिली के बैठने की अच्छी व्यवस्था। हमारा पता, कोटवाल इंजीनियर कॉलेज, कांट रोड, कॉन्टैक्ट नंबर 9899555123।